नमस्कार, मैं सिमरन दुआ आज दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस की टीम पहुंची है द्वारका विधानसभा के सागरपुर की गांधी मार्केट में। तो आज हम यहां के लोगों से जानते हैं कि यहां केजरीवाल सरकार ने इन 5 सालों में कितना विकास किया है। आपको क्या लगता है कि केजरीवाल सरकार ने जो वादे किए थे उन पर वो खरे उतरे हैं या नहीं? बिल्कुल खरे उतरे हैं, हमें सबको उनको समर्थन देना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, बस फ्री करी है, एजुकेशन में बहुत ज़्यादा काम किया है उन्होंने। पानी और बिजली आपके घर तक पहुंच रही है? पानी बिजली हमारे घर तक पहुंच रही है, बहुत लोगों को फायदा हो रहा है। स्वास्थ्य के लिए जैसे उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खुलवाया है तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मोहल्ला क्लिनिक बहुत बढ़िया है, सब लोग उधर ही जा रहे हैं आजकल, हम भी अपने बेटे का इलाज वहीं से करा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बनने के आपको चांसेस लग रहे हैं? बिल्कुल आना चाहिए, इन्हीं को आना चाहिए। आप उनको 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? मेरी तरफ से 10 में से 10। आपको क्या लगता है कि इन 5 सालों में आपके दिल्ली में कुछ सुधार आया है? पहले से तो काफ़ी सुधार है। बिजली पानी आपके मिल रही है आपको? पहुंच रही है, मिल रही है। महिलाओं के लिए जो बस फ्री कर रखी है टिकट? हाँ, महिलाओं के लिए तो बस में फ्री है। क्या लगता है आपको कि ये पहली बार हुआ है महिलाओं के लिए? अभी बस में जो फ्री टिकट चल रही है ना, पहली बार हुआ। आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बनने के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं आपको? केजरीवाल का ही लग रहा है। कहते जैसे बिजली फ्री, पानी फ्री, ये उन्होंने काम पूरे करके दिखाए थे। और महिलाओं के लिए बस भी फ्री करी है, ये भी बहुत सुविधा कर दी गई है। वैसे काम बहुत बढ़िया कर रहा है केजरीवाल। केजरीवाल सरकार ने सारे वादे पूरे करे हैं जो 5 साल में कहे थे, और हर आम आदमी को उससे फायदा भी हुआ है। और आने वाले 5 साल अब केजरीवाल ही आएगा, हर जगह से विधानसभा में केजरीवाल ही जीतेगा, मुख्यमंत्री भी केजरीवाल बनेगा। नहीं, बहुत अच्छा काम किया है मेरे हिसाब से तो, पानी के लिए और बिजली के, अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छा किया है मेरे हिसाब से। स्वास्थ्य के लिए मैं देखा है कि मतलब जैसे कि मैंने बहुत ही चेंजिंग हुआ है स्कूल से। मेरे दोस्त वगैरह बताते हैं ना कि बहुत से काम, मतलब मेरे दोस्त पढ़ते हैं ना स्कूल में, वो बताते हैं कि भाई बहुत चेंज हुआ है कि पहले से जैसे पढ़ाई में भी अच्छी तरह की, ये टीचर भी अच्छे पढ़ा रहे हैं। आपको क्या लगता है आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बनने के चांसेस लग रहे हैं? अब जैसा उन्होंने काम किया है तो इस हिसाब से तो उनकी सरकार बननी चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए उन्होंने मोहल्ला बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ तक कि टेस्ट इतने महंगे महंगे होते हैं, बहुत सस्ते टेस्ट फ्री में हो जा रहे हैं, हमारे 10,000 के टेस्ट फ्री में हो रहे हैं। क्या लगता है आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बनने के चांसेस लग रहे हैं? हिसाब से तो केजरीवाल की। कैसे काम किया महिलाओं के लिए बस में, जैसे उन्होंने मार्शल वगैरह रखे? हाँ नहीं, उस तो उसके लिए बहुत अच्छा किया उन्होंने, और दवाइयाँ भी बहुत अच्छा, मतलब है पानी वानी की व्यवस्था अच्छी है उनकी। शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा भी उन्होंने अच्छी किया है बच्चों के लिए, और ये अस्पताल वगैरह जो हैं इसके लिए बहुत अच्छा उन्होंने किया। नाम? मेरा नाम नेहा शर्मा। कहाँ से हैं आप? मैं मोहन नगर से। क्या लगता है इन 5 सालों में केजरीवाल सरकार ने कुछ काम करके दिखाया है या नहीं? हाँ जी, काफ़ी बहुत ज़्यादा काम किया है, थोड़ा नहीं। गवर्नमेंट स्कूल्स का भी आप देख सकते हैं, रोड ब्रिज वगैरह देख सकते हैं, बसेस में जो लेडीज़ के लिए फ्री हुआ है वो सब देख सकते हैं, वो बहुत अच्छे से किया है उन्होंने सब कुछ। और हेल्थ के लिए? हेल्थ के लिए भी अब तो आज आप गवर्नमेंट जितने भी जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उनमें भी देख लीजिए, काफ़ी सब कुछ इम्प्रूव हुआ है, बहुत हद तक बहुत इम्प्रूव हुआ है जी। यहाँ के अभी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं विनय मिश्रा जी, तो क्या लगता है कि वो चुनाव में जीत सकते हैं आने वाले चुनाव में? हाँ जी हाँ, प्रॉपरली अच्छे से जीतेंगे, क्योंकि यहाँ पर ना मतलब गवर्नमेंट का दिख रहा है कि 5 सालों में उन्होंने बहुत अच्छा रिपोर्ट दिया है सब कुछ, तो वो अच्छे से कर पाएंगे और वो जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे। हमारे नजफ़गढ़ में पूरे मोहल्ले में बढ़िया विकास कर दिया, हर गलियाँ बन गई, हर नालियाँ बन गई। पानी बिजली को लेकर? पानी बिजली को लेकर गरीबों के लिए मतलब पानी बिजली बिल सब कुछ माफ़ किया, हर चीज़। महिलाओं के लिए उन्होंने बस फ्री करी है, हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? ऐसा है कि उसके लिए मतलब आज इलेक्शन से पहले उसने 3-4 महीने पहले बस फ्री करी है, ठीक है। कुछ महिलाओं के लिए किया है, 3-4 महीने भी किराया नहीं लगता तो उसके बाद ठीक है, बाद में लगे किराया ना लगे वो उनके हाथ में है। सुधरने का तो ऐसा सरकार किसी की भी हो, पब्लिक के ऊपर, हाँ ये है, ये गवर्नमेंट ने पब्लिक के लिए बहुत कुछ किया है, हॉस्पिटल में सुविधा अच्छी दी है, स्कूल बढ़िया बनाए हैं, काफ़ी चीज़ें करी है, बाकी बढ़िया है। केजरीवाल पढ़ा लिखा है, अच्छा नेता है, वही जीतेगा केजरीवाल दिल्ली में। 5 सालों में उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, जो कि और जनता, उन्होंने रोडों पर जो हैं सबसे बड़े पहले टॉयलेट वगैरह बनवा दिए हैं, गलियों में अच्छी अच्छी सड़कें वो कर रही हैं, पानी बिजली फ्री कराया, और इससे बढ़कर और
बहुत काम किए उन्होंने, जैसे महिलाओं के लिए उन्होंने बस, महिलाओं के लिए उन्होंने बस फ्री कराई है। सबसे बढ़िया काम ये हुआ कि महिलाओं के लिए उन्होंने बस फ्री कराई, और इसी तरीके से आगे भी उम्मीद है कि आदमियों के लिए भी बस फ्री हो जाएगी, पूरी होप उनसे। और जितना भी करा जाए इससे बढ़कर और कोई नहीं कर सकता जितना केजरीवाल साहब ने किया काम। आने वाले चुनाव में आपको क्या लगता है कि किस सरकार बनने के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं? 100% जो है वो केजरीवाल ही साहब ही आएंगे। गांधी मार्केट के लोगों से हमने बातचीत करके ये जाना कि इन 5 सालों में केजरीवाल सरकार ने जो वादे किए तो वो वादे पूरे किए हैं या नहीं। आने वाला वक्त ही बताएगा कि आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बन सकती है। कैमरा पर्सन गुरप्रीत सिंह के साथ सिमरन दुआ, दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस।